हाय एवरीवन मैं हूँ शिपांगी और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्लासी भवा किचन में तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसे किचन अप्लायंस के बारे में जो मल्टी यूटिलिटी है और जिसे मैंने रिसेंटली लाया हुआ है तो मुझे बहुत यूजफुल लगा इसलिए मैंने सोचा मैं आपसे भी इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूं और मैं बात कर रही हूं अगारो के रिजेंसी स्टैंड मिक्सर की जी हाँ फ्रेंड्स ये एक ऐसा स्टैंड मिक्सर है जिसमें आप स्टैंड मिक्सर का, का काम कर सकते हैं ब्लेंडर का काम का का कर सकते हैं मिनसिंग का काम कर का सकते हैं मतलब बहुत सारी चीज़ें किचन में जो आप पकाते हैं उनकी प्रपरेशन फुल ऑन एंड ऑलमोस्ट हंड्रेड आप इस मिक्सर की हेल्प से कर सकते हैं तो बिना देर के चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपना वीडियो जहां पे मैं रिव्यू दूंगी आपको अगारो के के स्टैंड मिक्सर का और साथ ही के साथ ही डेमो बनाएंगे ढेर सारी रेसिपीज सो so फ्रेंड्स ये है अगारो का स्टैंड मिक्सर जो कि रिजेंसी नाम से आता है और कुछ इस तरीके का दिखता है स्टील बॉडी एंड ब्लैक एंड स्टील फिनिश है इसकी बहुत ही स्टाइलिश है और एर्गोनॉमिक मतलब बहुत कम स्पेस लेता है साथ ही फ्रेंड्स ये आता है तीन तरीके के अटैचमेंट्स के साथ पहला है स्टैंड मिक्सर दूसरा है ब्लेंडर और तीसरा है मिन्सर अटैचमेंट 1400 हंड्रेड वॉट का ये स्टैंड मिक्सर है और आ, हंड्रेड परसेंट कॉपर की बनी हुई इसकी मोटर होती है मतलब गुड क्वालिटी साथ ही फ्रेंड्स ये पूरी की पूरी बॉडी स्टैंड मिक्सर की अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक की बनी हुई है और बहुत ही एलिगेंट एंड स्टडी है सो so, फ्रेंड्स एक एक करके मैं इन सारे के सारे अटैचमेंट्स पे आती हूँ तो सबसे पहले इसके ऊपर इस तरीके के ब्लेंडर जार दिया हुआ है जो कि 1.5 लीटर यानी कि डेढ़ लीटर की कैपेसिटी का है और इसे आसानी से निकाला जा सकता है और आसानी से ही अटैच किया जा सकता है तो फ्रेंड्स क्लॉक इसे घुमा करके इंस्टॉल कर सकते हैं एंटी क्लाक वाइज तो इसे निकाल लेंगे तो आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें डायरेक्शन भी दिया हुआ है और इसमें ओपन एंड क्लोज भी लिखा हुआ है साथ ही फ्रेंड्स बात करें इस जार की तो ये जार ग्लास का बना हुआ है बहुत ही स्टर्डी बहुत ही हैवी ग्लास है ये और इनमें मेजरमेंट मार्किंग्स हैं मतलब कप की मार्किंग्स हैं ताकि आप मेजर करके इसमें चीज़ें फिल कर सको ढक्कन जो है उसमें एक छोटा सा कैप सेंटर में लगा हुआ है जिसे कि आप रिमूव करके इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं जब भी आप इसमें ब्लेंड कर रहे हैं तो बात करूँ मैं ब्लेड्स की तो ब्लेड्स बहुत शार्प हैं और साथ ही इस ग्लास की थिकनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जो कि इसे बहुत ही स्टर्डी बनाती है तो इसमें आप बना सकते हैं जूसेस शेक्स स्मूदीज कोल्ड कॉफ़ी और आगे गई मैं अभी वीडियो में आपको इसी में बहुत ही एक अमेजिंग रेसिपी बनाना भी बताऊंगी साथ ही फ्रेंड्स अगर आप ये ब्लेंडिंग जार यूज़ कर रहे हैं तो तो ठीक है अदरवाइज़ इस तरीके की कैप आती है स्टैंड मिक्सर में और जब भी आप ये ब्लेंडिंग जार नहीं यूज़ कर रहे हैं तो कैप लगा करके स्टैंड मिक्सर को आप रख सकते हैं यहाँ पे गई मैं बात करूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ़्टी फीचर की तो इसमें होता है सेफ्टी लॉक सिस्टम सेफ़्टी लॉक सिस्टम मतलब फ्रेंड्स जब आप कैप को लॉक कर देंगे ना जो ब्लेंडर वाली कैप है उसको लॉक करने के बाद ही स्टैंड मिक्सर को आप ऑपरेट कर सकते हैं स्टार्ट कर सकते हैं जब तक ये कैप खुली हुई है तब तक स्टैंड मिक्सर नहीं स्टार्ट होता है और साथ ही जब तक ये टॉप के अटैचमेंट में आप ब्लेंडिंग जार नहीं इंसर्ट करोगे तब तक ये खुद में भी स्टार्ट नहीं होती है मतलब कैप लगाने के बाद स्टैंड मिक्सर ऑपरेट होगा और कैप हटाने के बाद और ब्लेंडिंग जार लगाने के बाद ब्लेंडर स्टार्ट होगा दोनों की दोनों फंक्शन साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ भी काम करते हैं यानी कि स्टैंड मिक्सर का आगे फंक्शन और ये ब्लेंडिंग जार वाला टॉप पे फंक्शन देन कहीं जाते हैं स्टैंड मिक्सर पर तो इस तरीके की साइड लिवर को टिल्ट करके आप स्टैंड मिक्सर को प्रेस करके ऊपर उठा सकते हैं और वापस इसी तरीके से इस लिवर को प्रेस करके सेट कर सकते हैं अपनी नॉर्मल पोजिशन में साथ ही में जो साइड नॉब होती है इसमें होते हैं सिक्स स्पीड के लेवल्स और एक पल्स फंक्शन भी होता है लेफ्ट मोस्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं पल्स फंक्शन होता है क्विक बर्स के लिए मतलब ब्लेंड देन ऑफ़ देन ब्लेंड देन ऑफ़ तो जो क्विक बर्स्ट होते हैं उनके लिए इसका यूज़ किया जाता है जैसे कि नॉर्मल मिक्सर uh, या मिक्सी में भी होता है बात करूँ मैं स्पीड लेवल्स की तो स्पीड लेवल्स मतलब वन से लेके जो सिक्स तक दिए हुए हैं इनको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं जो रेसिपी आप बना रहे हैं जो भी ब्लेंड करना चाह रहे हैं मिक्स करना चाह रहे हैं तो उसके हिसाब से कि मतलब आपको कम स्पीड में करना है या ज़्यादा स्पीड में करना है तो कहीं धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते जाते हैं ना इस ब्लेंडिंग जार को या स्टैंड मिक्सर को तो आपको खुद ही एक्सपीरियंस हो जाता है कि किस स्पीड लेवल पर कौन सी रेसिपी आपकी बनेगी तन तो कहीं इस स्टैंड मिक्सर के साथ आता है छः लीटर की कैपेसिटी वाला स्टेनलेस स्टील का ये बोल बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी और साइज़ बहुत बड़ा है मतलब आप अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ बनाना चाहते हैं या फिर आप मान लीजिए होम बेकर हैं तो मिक्सिंग के लिए केक बैटर बनाने के लिए क्रीम को विप करने के लिए फ्रीक्वेंट रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा अमाउंट में इन चीज़ों को बनाने के लिए बड़े बर्तन की तो ये वाला जो बोल है ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा अगर आप होम बेकर हैं या फिर अच्छे गुड अमाउंट में कोई भी चीज़ें बनाते हैं विप करते हैं मिक्स करते हैं साथ ही फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ इसको बोल को सेट करने की इस स्टैंड मिक्सर में तो जैसे कि आप देख सकते हैं लॉक का सिंबल बना हुआ है बोल आप इस पर रखिए और जो लॉक का डायरेक्शन है मतलब लेफ्ट साइड की तरफ उस तरफ इस बोल को आप घुमाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा यानी कि सेट हो जाएगा अपनी जगह पे इस स्टैंड मिक्सर के साथ आते हैं तीन अटैचमेंट सबसे पहला आता है विस्क अटैचमेंट जिसे यूज़ किया जाता है सबसे पहले तो क्रीम को विप करने के लिए एग्स बीट करने के लिए और कई हर एक उस विपिंग या विस्किंग की ज़रूरत के लिए जहाँ पे आपको एयर इनकॉर्पोरेट करनी होती है किसी भी सामान में मतलब लाइट एंड फ्लफी बनाने के लिए जो आपको टेक्सचर देना होता है किसी भी चीज़ को तो उसके लिए आप विस्क अटैचमेंट यूज़ कर सकते हैं देन आता है गाइस डो हुक अटैचमेंट जैसा कि नाम ही इसका है डो हुक अटैचमेंट इससे आप आटा गूंथ सकते हैं नॉर्मल आटा तो गूंथ ही सकते हैं इसी के साथ में गुजियों का मठरी वगैरह बनाने का आटा पाव का आटा ब्रेड का आटा हर तरीके का आटा लगा सकते हैं डो हुक अटैचमेंट के थ्रू देन फाइनली आता है ये पैडल अटैचमेंट पैडल अटैचमेंट का काम होता है केवल मिक्स करना मतलब विस् करने से क्या होगा कि एयर इनकॉर्पोरेट होगी है ना तो उसी तरीके से पैडल अटैचमेंट जो होता है उसको यूज़ करने से केवल प्रॉपर मिक्सिंग होगी जैसे कुकी बैटर होता है केक बैटर होता है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा विस्किंग की जरूरत नहीं है उसमें एयर इनकॉर्पोरेट नहीं करना होता है तो वहाँ पे आप पैडल अटैचमेंट का यूज़ करेंगे ना ये सारे के सारे अटैचमेंट जो हैं उनको सेट करना और रिमूव करना बहुत ही आसान होता है हम जैसे कि स्टैंड मिक्सर में एक नॉच दिया हुआ होता है और आप देखेंगे कि उसमें थोड़ा सा ना इस तरीके का आस पास निकला हुआ सा एक नॉब सा होता है उसी में इन अटैचमेंट्स को आप सेट कीजिए हल्का सा प्रेस करके इन्हें घुमाइए और ये अपने आप ही सेट हो जाएंगे बिल्कुल सेम तरीके से प्रेस करके फिर से एंटी क्लॉक घुमाइए और ये वापस निकल आएंगे स्टैंड मिक्सर के साथ में आता है स्प्लैश कार्ड भी जो इस तरीके का दिखता है जैसे कि आप देख सकते हैं रबर ग्रिप्स के साथ आता है ये जिससे कि ये बहुत अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो जाता है स्टैंड मिक्सर में साथ ही एक साइड पे इस पर होल दिया हुआ होता है मतलब स्पेस दिया हुआ होता है ताकि अगर आप स्टैंड मिक्सर की यूसेज के दौरान कोई चीज़ इंसर्ट करना चाहते हैं जैसे मान लीजिए कि आप आटा गूथ रहे हैं बीच में आपको लगता है कि पानी कम हो गया थोड़ा सा डालने की ज़रूरत है तो आप इस जो होल जो स्पेस बनाओ इसके थ्रू डाल सकते हैं पानी तो इस तरीके से ये बड़ा हैंडी है यूज़ करना देन फ्रेंड्स बात करूँ इसके पूरे पर्पज़ की मतलब कि ये स्प्लैश गार्ड क्यों होता है तो जब भी आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं विस्क कर रहे हैं जो जिसके कि छीटे उड़ सकते हैं मतलब बाहर आ सकता है तो आप इस स्प्लैश कार्ड को लगाइए होगा क्या कि बोल में ही अंदर विस्किंग एंड यू नो वेपिंग होती रहेगी बाहर कोई भी छींटे वगैरह नहीं निकलेंगे दैन गाइज़ हम आते हैं फाइनली अगारो के स्टैंड मिक्सर के मिन्सर फंक्शन पे तो गाइज ये पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट फंक्शन है और इसमें ये देखिए इस तरीके की तीन असेंबलीज आती हैं और सबसे पहले ये देखिए ये मीट ग्राइंडिंग वाला ये मैंने पोर्शन लिया हुआ है जिसका टेक्निकल नाम तो हेलिक्स हाउसिंग है तो ये जो मीट ग्राइंडर है इसको सामने की तरफ आप देख सकते हैं इसमें मिन्सिंग लॉक लगा हुआ है तो सबसे पहले मैं इसको ओपन कर रही हूँ चूड़ियों से ये कसा हुआ है और इस मिन्सिंग लॉक को ओपन करने के बाद सीविंग टाइप के ब्लेड्स मतलब होल होल जैसा ब्लेड है उसके बाद में मैंने इसके अंदर का एक ब्लेड निकाला है और उसके बाद में ये अंदर की तरफ ये हेलिक्स है मतलब ये जो रोल रोल के जैसा दिख रहा है ना जिससे कि मीट रोल हो करके, फिर आगे ब्लेड में जा कर के मिन्स होता है यानी कि चॉप होता है तो ये देखिए मैंने सारे के सारे इसके अंदर के अटैचमेंट बाहर निकाल दिए हैं और अभी मैं एक एक करके आपको इनको सेट करके दिखाती हूँ क्योंकि यही साथ ही में इसके आते हैं तीन तरीके के सीव मतलब ये छन्नी जैसी जो जालियाँ जैसी बनी हुई हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक के होल सबसे बड़े हैं दूसरे के उससे छोटे और तीसरे के सबसे बारीक वाले होल्स हैं तो मीट की मिन्सिंग आपको कैसी चाहिए थोड़े से मोटे मोटे आपको आ, होल्स में से निकलता हुआ यानी कि मोटे मोटे पीसेस चाहिए मिनसिंग चाहिए मोटी तो आप सबसे बड़ा वाला लगा सकते हो होल वाला देन अगर आपको मीडियम साइज़ की मिनसिंग चाहिए तो मीडियम साइज़ के होल्स वाला आप ये सीव लगा सकते हैं अगर आपको बिल्कुल बारीक चाहिए तो ये बारीक होल्स वाला आप लगा सकते हो और आपको इसको सेट कैसे करना है सबसे पहले तो ये जो ट्विस्टेड के जैसा हेलिक्स है उसको सबसे पहले आप डालोगे मीट ग्राइंडर के अंदर उसके ऊपर आप ब्लेड रखोगे और इसमें ना स्पेस बना हुआ होता है स्क्वायर तो आराम से ये ब्लेड आ जाता है उसके ऊपर आपको रखना है अपनी चॉइस का सीव और फाइनली जो मिन्सिंग लॉक होता है उसको घुमा करके आपको बिल्कुल अच्छे से टाइटली सिक्योर uh, कर देना होता है कस देना होता है और ये बिल्कुल तैयार हो जाता है यूज़ के लिए इसी के साथ में आता है ये ब्लैक कलर का पुशत और ये स्टील की ट्रे तो गाइज़ इन सभी को आपको कैसे सेट करना है स्टैंड मिक्सर में और कैसे यूज़ करना है सब कुछ मैं आगे बताऊँगी ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन आता है इसी uh, हमारे मिनसिंग वाले डिपार्टमेंट में और यहाँ पर ये यह देखिए जो पुशर है ना इसके अंदर से मैंने कितने सारे ढेर सारे टूल्स निकाले हैं तो गई यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कैसे आप सॉसेज़स बना सकते हैं जी फ्रेंड्स इसमें दो तरीके के सॉसेजेस बनाने के लिए भी अटैचमेंट आते हैं इनको आपको कैसे सेट करना है मिंसर वाला मशीन है या मिन्सर है उसका सबसे पहले जो लॉक है उसको हमने हटाया उसका ब्लेड हटाया और अभी दोनों तरीके के सॉसेज फंक्शन के लिए ना दो दो टूल्स आते हैं तो सबसे पहले हॉलो वाला सॉसेज बनाने के लिए यहाँ पे हम इंसर्ट कर रहे हैं हॉलो सॉसेज सपोर्ट उसके बाद हमने डाला हॉलो सॉसेज मेकर और फाइनली मिंसिंग लॉक को हमने इस पर सेट कर दिया तो गाइज ये जो अभी पूरा टूल बन के रेडी हुआ ना इससे बनेंगे हॉलो सॉसेजेस अभी इनको हटा करके मैं बताती हूँ क्लासिक सॉसेज कैसे बनते हैं सेम प्रोसेस है यहाँ पर भी आपने ब्लेड को हटाना है मिन्सिंग लॉक को हटाना है सबसे पहले सॉसेज सपॉट डालना है यहाँ पे और दूसरा सॉसेज मेकर वाला अटैचमेंट डालना है अभी इसको भी आपने मिन्सिंग लॉक के साथ में ही टाइटली सिक्योर कर दिया है और इससे बनेंगे आपके क्लासिक सॉसेज़स तो फ्रेंड्स ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फंक्शन है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव स्टैंड मिक्सर्स में आता है तो अभी मैं आपको इसे अटैच करके यानी कि सेट करके दिखाती हूँ तो ये जो मिन्सर है ये देखिए इसका जो बैक साइड है और हमारे स्टैंड मिक्सर का जो फ्रंट वाला साइड है दोनों का लुक ऑलमोस्ट सेम है तो यहाँ पर जो पुश बटन लगी हुई है साइड में इसको हमने प्रेस किया और अटैच कर दिया है हमने मिन्सर को स्टैंड मिक्सर से गाइज बहुत ही आसानी से ये अटैच हो जाता है अब मिन्सर के ऊपर हमने रख दी है ट्रे तो इसमें ऑलरेडी होल बना हुआ है सेट करने के लिए एंड फाइनली जो पुशर है पुशर को आपको रखना है ट्रे वाले होल के ऊपर जहाँ पर आप मीट को पुश करेंगे ताकि वो आ, मिंसिंग के लिए मिंसर में जाता रहे तो गई स्टैंड मिक्सर के साथ इस तरीके का यूजर मैनुअल भी आता है और सारे पार्ट्स के बारे में और भी एक्सप्लेनेशन इनमें दी हुई है और भी इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिल जाएगी देन गाइज़ फाइनली ये एग वाइट सेपरेटर भी दिया हुआ है इसके साथ में मतलब अगर आप इस पर एग तोड़ करके डालेंगे तो जो वाइट पोर्शन है एग का वो नीचे चला जाएगा स्ट्रेन होकर के और येलो पोर्शन ऊपर रह जाएगा साथ ही में इसकी पावर केबल आती है 16 एम प्लग वाली और साथ ही जो इसका वायर है काफ़ी स्टर्डी है और काफ़ी लंबा है तो आप मतलब दूर वाले बोर्ड पे भी इसको अटैच कर सकते हैं तो गई ये तो हो गई हमारी पूरे के पूरे स्टैंड मिक्सर की इंफॉर्मेशन अभी हम आते हैं डेमोन्स्ट्रेशन पे तो सबसे पहले जो ब्लेंडर जा रहा है ना इस पर मैं बनाने जा रही हूँ ठंडाई जी हाँ फ्रेंड्स समर्स के लिए बिल्कुल स्पेशल मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं करीब 10 से 12 काजू 10 से 12 बादाम 10 से बारह पिस्ते आठ से दस काली मिर्ची एक बड़ा चम्मच सौंफ दो बड़ा चम्मच ड्राई गुलाब की पत्तियाँ और दो इलायची इनको मैंने डाल दिया है ब्लेंडिंग जार में साथ में मैंने इसमें डाली है करीब एक चौथाई कप शक्कर गाइज़ अपने टेस्ट के हिसाब से शक्कर डाल लीजिएगा इसमें डाला मैंने आधा कप मिल्क और इसको हमने स्टैंड मिक्सर में सेट कर दिया अभी गईज़ फंक्शन बटन पे जा करके नंबर फोर पे मैंने इसको ब्लेंड करना शुरू किया है क्योंकि ये नट्स हैं और इसीलिए इनको थोड़ा सा फास्ट हमें ग्राइंड करना पड़ेगा तो ये देखिए गईज थोड़ी ही देर में अच्छे से सारी चीज़ें ब्लेंड हो चुकी हैं मिक्स हो चुकी हैं ग्राइंड हो चुकी हैं तो अभी हम क्या कर रहे हैं ब्लेंडर के सेंटर में जो एक कैप जैसी दी हुई ना उसको हटा करके मैंने इसमें तीन कप दूध और डाला है और उसके बाद हमने इसे दोबारा ब्लेंड कर दिया एंड गाइज हमारी बिल्कुल परफेक्ट ठंडाई बन के तैयार हो चुकी है अभी गाइज़ हम बनाने जा रहे हैं मटन गलौटी कबाक्स तो इसके लिए सबसे पहले मैंने मिंसर लिया है हमने इसको जा करके अटैच कर दिया है स्टैंड मिक्सर से कि यहाँ पर मैंने आधा किलो मटन लिया हुआ है बोनलेस और वीडियो में दिखाए गए तरीके से अभी हम इसकी मिंसिंग स्टार्ट करेंगे कबाब्स बनाने के लिए सिंपली मैंने सारे मीट के पीसेस सबसे पहले तो मिंसर में डाले हैं ट्रे के ऊपर से और बाकी के सारे पीसेस मैंने ट्रे पे ही प्लेस कर दिए हैं ताकि धीरे धीरे करके ये भी होल में जाते जाएँ और मिंसिंग होती जाए एंड लुक एट दिस गाइज मिन्सिंग स्टार्ट हो चुकी है बहुत ही अच्छे तरीके से मिन्स हो के मीट आ रहा है और जैसे कि आप देख सकते हैं पुशर से मैं सारा का सारा मीट पुश करती जा रही हूँ मिनसर की तरफ और जो बाकी पीसेज हैं मीट के उनको भी मैं मिनसर प्लेट के पास में लाती जा रही हूँ एंड ये देखिए गाइज विद इन मिनट्स हमारा सारा का सारा मीट मिन्स होकर के तैयार है नाव गाइज अभी मैंने एक अलग ग्राइंडिंग जार में डाला है करीब आधा कप फ्राई किया हुआ प्याज दो बड़ा चम्मच रोस्ट किया हुआ बेसन एक बड़ा चम्मच गर्म मसाला फ्रेश एक चम्मच चॉप करी हुई हरी मिर्ची दो बड़ा चम्मच चॉप करी हुई हरी धनिया टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्ची पाउडर टेस्ट के हिसाब से नमक और यहाँ पे एक अंडा तोड़ करके मैंने डाला है और बिल्कुल महीन पेस्ट के जैसा बना लेंगे सारी चीज़ों को हम यहाँ पे ग्राइंड करके और इस पेस्ट को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है एक मिक्सिंग बोल में और जो मटन हमने मिन्स करके रखा था ना उसको भी डाल दिया है हमारे मिक्स किए हुए स्पाइसिस में और सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से हमने साथ में ब्लेंड कर लिया है मिक्स कर लिया है और यही पाँच से दस मिनट के लिए इसको जा कर के हम फ्रिज में रख देंगे मैंने एक पैन रखा है गैस पे और इसमें मैंने डाला है सरसों का तेल और जैसे ही तेल गर्म होता है हमने फ्रिज से निकाला है हमारे गलौटी कबाब का मिक्सचर और ये देखिए हाथों तो में हल्का सा ऑय लगा करके अभी हम इसके कबाब बनाते जा रहे हैं और प्लेस करते जा रहे हैं गर्मा गर्म तेल पर और अभी गैस उलटते पलटते हुए धीमी आँच में हम हमारे कबाब्स को बिल्कुल अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेंगे एंड लुक एट दिस गाइस थोड़ी ही देर में एकदम अच्छे से गोल्डन हो गए हमारे कबाब एंड इस डरेक्टली गर्मा गर्म हमने इनको सर्व कर लिया है तो फ्रेंड्स अभी हम स्टैंड मिक्सर में तैयार करेंगे हमारे केक का बैटर तो इसके लिए मैंने विस्क अटैचमेंट यहाँ पर लगाया हुआ है साथ ही बोल मैंने सेट कर लिया है तो अभी यहाँ पर मैंने डेढ़ कप चॉकलेट केक प्रीमिक्स डाला है बोल में और इसमें जाएगा दो बड़ा चम्मच ऑयल साथ ही आधा कप पानी और अभी हम बिल्कुल लाइटली मतलब नंबर वन पे रोटेशन यानी कि फंक्शन इसका सेट करके हम इसे whisk होने देंगे अभी मैंने ली है तीन बड़ा चम्मच चॉकलेट चिप्स और ये भी मैंने डाल दी है इसी मिक्सिंग के दौरान और इन आई थिंक टेन टू फिफ्टीन सेकेंड्स अभी से तैयार हो जाएगा हमारा चॉको चिप केक के लिए बैटर तो गाइज़ बैटर मैंने सेंटर में ला करके सारा का सारा एक स्क्वायर शेप का चेंज का केक टिन है जिसे मैंने लाइन कर लिया है पार्चमेंट पेपर से और इसमें मैंने सारा बैटर ट्रांसफ़र कर दिया है बराबर किया है हमने बैटर को और इसके ऊपर करीब एक बड़ा चम्मच चॉकलेट चिप मैंने फिर से डाल दी है तो फ्रेंड्स वैसे तो आपको बैटर बनाना होता है पैडल अटैचमेंट से बट यहाँ पर मैंने विस्कर अटैचमेंट इसलिए डाला है क्योंकि मैं प्रीमिक्स से केक बनाने वाली हूँ मैदे से बनाएंगे तो पैडल अटैचमेंट से ही बनाएंगे तो फ्रेंड्स अभी अगारो का ही डिजिटल एयर फ्रायर मेरे पास था तो उसको मैंने 160 डिग्री पे प्री हीट कर लिया था और इस पर मैंने केक बैटर रख करके करीब 30 मिनट्स के 160 डिग्री पे ही बेक कर लिया है इसके प्रीसेट मोड में तो गाइज़ 30 मिनट्स के बाद ये देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट चक्को चिप केक बन के तैयार हो चुका है जैसे ही केक ठंडा होता है हम इसको केक टिन से बाहर निकालेंगे और देखिए कितना सॉफ्ट मॉइस्ट और अमेजिंग हमारा केक बन के तैयार हो गया है तो गाइज़ ये था मेरा आज का रिव्यू वीडियो अगारो की रिजेंसी स्टैंड मिक्सर का एंड जैसे कि आपने देखा गाइज़ मल्टी यूटिलिटी के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है तो आप डेफ़िनेटली इसको अपने किचन के लिए परचेस कर सकते हैं और गईज़ इसको परचेस करने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है तो आप जा कर चेकआउट ज़रूर करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हैप्पी कुकिंग